तो दोस्तों, क्या आपको भी ऑफ रोडिंग करनी है या फिर क्या आपको भी मिट्टी उछालनी है? तो देखो, अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर ना मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा थार के 5-डोर वर्जन के बारे में, जिसमें आप खूब ऑफ रोडिंग कर सकेंगे। तो देखो, ये एक लीक वीडियो होने वाली है महिंद्रा थार की, और मुझे पता है ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, उनको लीक वीडियो में बस प्राइसिंग के बारे में जानना है। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ना, सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, और बाकी फैक्टर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आराम से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले, प्राइसिंग जानने से पहले, थोड़ा आप जान तो लो गाड़ी एक्चुअल में दिखेगी कैसे। तो ये है दोस्तों पहली झलक महिंद्रा थार 5-डोर वर्जन की। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी जो नॉर्मल थार 3-डोर वाली जो थार है वैसे आपको लुक्स मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो, 5 डोर आएंगे, लेंथ आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, एंड ओवरऑल व्हील बेस को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो इसके बाद ना अभी कम्प्लीटली एक फील आ रहा है सस्ते जीप रैंगलर की, ना पूरी अभी फील आ रही है। अभी चलिए फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखो, प्राइसिंग बताने से पहले वेरिएंट्स के बारे में जानना पड़ेगा ना, बिकॉज एक एक वेरिएंट की जो प्राइस है ना वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले देखो, आपको इस 5-डोर वाले थार में 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको रेयर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, साथ में आपको 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। और दोनों ही ऑप्शंस में ना आपको डिफरेंट वेरिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि डीजल एंड पेट्रोल का ऑप्शन आता है, साथ में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल का भी अलग आपको ऑप्शन मिलेगा, सॉफ्ट एंड हार्ड टॉप का भी आपको अलग ऑप्शन मिल जाता है। AX एंड LX वेरिएंट के अंदर आएगा बेसिकली, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। अभी इनकी प्राइसिंग क्या होगी? तो देखो, हर वेरिएंट की प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर, लेकिन बेस वेरिएंट की प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ। अभी महिंद्रा थार 5-डोर वर्जन का रेयर व्हील ड्राइव का जो बेस वेरिएंट है ना, उसकी प्राइस शुरू होती है अराउंड 13 लाख रुपीज एक शोरूम। यह एक्सपेक्टेड प्राइस है, 13 लाख रुपीज एक शोरूम, मतलब ऑन रोड थोड़ी ज्यादा होगी। अभी देखो, मैं तो रहता हूँ कर्नाटका में, एक छोटे से सिटी के अंदर, यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस पहुंच जाती है वो है अराउंड 15 लाख रुपीज तक। और अगर आप दिल्ली या फिर गुजरात जैसे शहरों में रहते हो तो वहां पर ना ऑन रोड प्राइस आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। अभी अगर मैं बताऊं आपको प्राइसिंग थार 5-डोर वर्जन विद 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन की, तो इसकी जो प्राइस है ना वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 15 से लेकर 16 लाख रुपीस के बीच में इसकी एक शोरूम प्राइस होगी, यानी कि ऑन रोड ना 17 to 17.5 लाख तक ये पहुंच सकती है। तो ये कुछ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है। बाकी जो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट होगा, उसकी एक शोरूम प्राइस आपको अराउंड देखने को मिलेगी 20 लाख रुपीस एक शोरूम। तो देखो, ये कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस है, हो सकता है कि महिंद्रा ना और भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग इसकी रखे। तो देखो, ये जो गाड़ी होगी ना, ये कॉम्पीट करने वाली है बहुत सी गाड़ियों को, जैसे कि महिंद्रा की जो खुद की स्कॉर्पियो है उसको भी ये कॉम्पीट करने वाली है, टाटा हैरियर को ये कॉम्पीट करेगी, मारुति जिम्नी को, फोर्स गुरका है ना उसका भी 5-डोर वाला वर्जन आने वाला है, उसको भी ये कॉम्पीट करने वाली है। तो कॉम्पिटिशन तो यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो देखो, प्राइसिंग और कॉम्पिटिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ और भी चीज़ें आप जान लो, जैसे कि यार इंजन आपको कौन सा मिलेगा। तो इंजन वही सेम थार के 3-डोर वाले वर्जन में जो आपको इंजन मिलता था वही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पेट्रोल के अंदर M स्टैलियन वाला इंजन मिलता है, और डीजल के अंदर ना आपको M हॉक वाला इंजन मिलेगा। तो पावर एंड टॉर्क के हिसाब से यार इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सिंस यहाँ पर गाड़ी की ओवरऑल लेंथ बढ़ाने की वजह से वेट में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज आएगा, तो इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पर जो पावर एंड टॉर्क के फिगर्स है ना, उसको ना थार के 3-डोर वाले वर्जन से थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, यानी कि पावर एंड टॉर्क में आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जो ओवरऑल फील है ना, वो आपको नॉर्मल थार 3-डोर वाले वर्जन में मिल रहा था, वही आपको बेसिकली मिलने वाला है। स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल जो बॉडी रोल कंट्रोल है, वो आपको इस 5-डोर वाले वर्जन में डेफिनेटली थोड़ा बेहतर मिलेगा कंपेयर टू दी 3-डोर वाला वर्जन। इसके बाद दोस्तों, इसकी सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा। मैनुअल में 6-स्पीड वाला गियर बॉक्स होगा, 4-व्हील ड्राइव में आपको सेपरेटली एक गियर भी दिया जाएगा, और साथ में अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक के अंदर आपको जेन्युइन टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है, यानी कि CVT, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मैं पर्सनली स्कॉर्पियो का जो ऑटोमेटिक डीजल वर्जन है उसको मैं चला चुका हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड ओवरऑल यार जो पावर डिलीवरी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई उस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर जान लेते हैं फीचर्स के बारे में भी। तो फीचर्स यार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ऑनेस्टली बता दो, फीचर्स वगैरह ना सिर्फ बच्चे देखते हैं, हमें तो बस ऑफ रोडिंग करनी है।
ये ना टिपिकल आपके थार वाले ओनर्स कहेंगे, लेकिन ऑनेस्टली फीचर्स को यार आपको देखना नहीं चाहिए इन जैसे गाड़ियों में, बिकॉज ये ना प्योर एक ऑफ रोडर होती है, ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए इसको बनाया गया है। तो फीचर्स यार आपको नॉर्मली जो थार के थ्री डोर वाले वर्जन में मिल रहे थे वही फीचर्स इसमें भी दिए जाएंगे, तो कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा उसमें। बाकी देखो सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर कर लिया, अभी जान लेते हैं लॉन्च डेट के बारे में, गाड़ी कब तक लॉन्च होगी। तो यहाँ पर लीक्स के हिसाब से बताया जा रहा था कि अप्रैल के एंड में लॉन्च होगी ऐसा करके, लेकिन यार महिंद्रा की तरफ से अभी कुछ लगता नहीं है कि ये गाड़ी बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो कुछ रिसर्च के बाद मुझे लगता है कि ये ना हमेशा के तरह अगस्त के 15th को यानी कि इंडिपेंडेंस डे को ही ये गाड़ी को लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर। तब हमें इसके एक्चुअल प्राइसिंग के बारे में, ओवरऑल स्पेक्स के बारे में और अच्छे से पता चलेगा खुद महिंद्रा की तरफ से, क्योंकि महिंद्रा ना हमेशा हर साल अगर आप उनका पैटर्न देखेंगे तो अगस्त 15th को ही ये अपनी गाड़ी को लॉन्च करते हैं, इस बार भी मुझे यही लगता है। बाकी यार एक्सपेक्टेशन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन यार थोड़ा सा मैंने ज़्यादा आपको डिटेल दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो ऐसे अनोखी वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।